वालेकुम फैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गोल मटोल चिकन बॉल की रेसिपी। तो चलिए बनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो जिसके लिए हमने लिया है क्रश करके एक गाजर, ये देखिए चिकन हमने बॉयल करके उसके रेशे निकाल लिए हैं। एक प्याज है और दो आलू हमने बॉयल करके मैश करके लिए हैं। और ये ब्रेड हैं जिसके हमने किनारे कट कर लिए हैं। इधर पैन में हमने ऑयल डाल दिए हैं। अब हम प्याज को इसमें सौटे करेंगे। ज़्यादा प्याज हमको नहीं लाल करनी है, बस थोड़ा सा कच्चापन इसका निकल जाए। हल्की हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें इस स्टेज पे हम ये अपना गाजर डाल देंगे, इसको भी हम उसका सौटे करेंगे। गाजर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम ये जो चिकन रखे थे हम बॉयल करके इसके रेशे को अलग करके, अब इसमें हम इसको डाल के थोड़ा भूनेंगे इस तरह से आराम आराम से। इसको भी हमको सॉफ्ट करना है, थोड़ा अच्छे से भून लें। तो हो चुका है। अब ये आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे मैश करके, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छे से सॉफ्ट करना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसको हम थोड़ी देर तक इसको भी भून लेंगे। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं, जल्दी हाफ टेबल स्पून से थोड़ी कम, और 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। इसको अब हम मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे, जिससे इसका और स्वाद चटपटा और बढ़िया बन जाए। अब इसमें हम थोड़ा धनिया, हरा धनिया मिक्स करेंगे, जिससे इसका स्वाद तो बढ़ेगा भी, सुंदरता भी बढ़ जाएगी, देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। टिफिन बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपनी चिकन बॉल बनाने। तो ये जो हमने ब्रेड कट करके रखे हैं, ये हमने एक कटोरे में पानी लिया है। इसको हम हल्का सा ऐसे डीप करेंगे और यूँ सारे पानी को हम रिलीज कर देंगे इस तरह से। आप कोशिश करें कि सूखे की तरफ से आप इसमें स्टफिंग डालें। इस तरह हम इसमें स्टफिंग डालेंगे और ये बहुत आसान है बनाना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इस तरह आप टिफिन डालें, इसमें स्टफिंग डाल दें और इस तरह इसको मोड़ दें। ये मोड़ जाएगा और ये हमारा बॉल बन जाएगा। यूँ यूँ देखिए बॉल बन गया हमारा, कितना आसान है। अब हम इसको रख देंगे। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे इसी प्रोसेस से। इस तरह हम पानी को रिलीज कर लेंगे हाथों से दबा के और सूखी साइड में हम अपना स्टफिंग डालेंगे। यूँ इस तरह, और इसको कोने को हम मोड़ते हुए अपनी बॉल बनाएंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारी बॉल बन जा रही है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको बनाना बहुत आसान है। आप हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए यूँ देखिए कितनी आसानी से बन जा रहा है। इसी प्रोसीजर से आप बनाइए और हम इसी तरह सारा बना लेंगे। इसको और भी चटपटा और क्रंची बनाने के लिए यहाँ हमने बाउल में 2 चम्मच बेसन लिया हुआ है और इसमें हम 1/2 टेबल स्पून काला नमक डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अब ये सारे इंग्रेडिएंट को हम मिक्स करेंगे। इसका हम पतला सा इसको हम पतला सा
इसका घोल तैयार करेंगे। बिल्कुल पतला रहेगा हमारा, ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा। बस केवल हमको इसको बॉल इसमें डीप करने हैं। हम इसको बहुत बढ़िया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह इसका। अब हम अपने प्यारे से बॉल को इसमें डीप करेंगे इस तरह से। डीप किया हमने। अब ये हमने ब्रेड क्रम लिया है, इस तरह इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम में, देख लीजिए। और इसको हम कढ़ाई में ऑयल रख दिए फ्राई करने। इसको हम फ्राई करेंगे यूँ। इस तरह हम अपने बॉल को फ्राई करेंगे, पेस्ट लगाएंगे और ब्रेड क्रम इस पर कोट करेंगे। आप ध्यान से एक एक स्टेप को देखिए और वीडियो को फुल वॉच करिए, उसके बाद कमेंट करके बताइए हमारी रेसिपी ट्राई करके कैसी बनी हमारी रेसिपी। तो ये हमारे दो तीन बॉल्स हो चुके हैं, देखिए कितने प्यारे और कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इसको हम निकाल ले रहे हैं। तो गाइस हमारे सारे चिकन बॉल्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। आप देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, आप एक बार देख सकते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। आप एक बार हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और हमारी अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।